ये पेचीदियाँ आपको महसूस होता है कि इस किस्म के हालात में जो है वो कोई कोई बेहतर अमल था हुकूमत की तरफ से? गुजारिश ये है जी कि जहाँ तक मुख्तलिफ इख्तियारात की बात होती है, सदर के इख्तियारात की, वज़ीर आज़म के इख्तियारात की, हुकूमत के इख्तियारात की, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रेशन। जहाँ डिस्क्रेशन आती है वहाँ पे अदालतें मोहतात होती हैं कि ये डिस्क्रेशन आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आर्बिट्रीनेस आ जाए तो फिर उस डिस्क्रेशन के इस्तेमाल को हम गलत कहते हैं, गैर आइनी कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं। गालबन ये पहले दफ़ा वाकया आया है कि जो अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म को इख्तियार तो है अपॉइंट करने का, लेकिन मैकेनिज्म ये है कि क्या ये नई अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक्सटेंशन जो है उसके कोई ना कोई वजूहात होनी चाहिए, क्या और बंदा कोनी था, या क्या ये ज़ाती मफाद भी किया जा रहा है, क्या ये ज़ाती फॉर पर्सनल लव एंड अफेक्शन किया जा रहा है या मुल्की मफाद किया जा रहा है। सो यू हैव टू जस्टिफाई योर डिस्क्रेशन, और इसमें गालबन अदलिया जो है इस बात पे मोहतात है और हमेशा मोहतात। जब उन्होंने अपॉइंट किया, आपके अम्बुड में अपॉइंट करते हैं तो वहाँ भी होता है, और कई दफ़ा कानून में अपॉइंट प्रोवाइड होता है कि हाँ जी इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन इस ओहदे के में ऐसी कोई शिक नहीं है, लिहाजा ये आज इबहाम पैदा हो रहा है।